हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और मैं आपको इस वीडियो में भी डेड फोन का सलूशन बताऊंगा। हमारे पास आईबॉल एनडी 4.5 है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन जो है कस्टमर ने बोला डेड हो गए, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। इसे खोल के चेक करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसे हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि डेड फोन में इसकी बैटरी को पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वोल्टेज है, बैटरी का आउटपुट क्या है। बैटरी का आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे सेट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पोल पे लगा के रीडिंग चेक करेंगे। देखिए बैटरी पूरी तरीके से डेड है, इसलिए भी ये फ़ोन डेड है। अब हम चेक करेंगे, जब बैटरी डेड होना तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि फ़ोन चार्जिंग ले रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें कस्टमर को चार्जर लगाया होगा बट चार्जिंग ही नहीं हो रहा होगा फ़ोन, तो कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम एक बार डीसी मशीन को कनेक्ट करेंगे और चार्जर लगा के चेक करेंगे। चार्जर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। आप इंडिकेटर वाले चार्जर लगा के यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना तो चार्जर की लाइन बंद होगी, तो आपको पता चलेगा कि सप्लाई यहाँ तक आ रही है या नहीं। चार्जर की लाइट नहीं बंद हो रही है, चेक करते हैं। फिर देखिए इसमें कनेक्टर को हमने लगा दिया है, ठीक है। अभी हम सोल्ड करके इसे फिट करेंगे। Thank you.
अभी हम इसकी बैटरी लगा के चेक करेंगे। मीटर का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 20 वोल्ट की रेंज पे रख। देखिए फोन जो है वो ऑन हो गया, यहाँ पे आइडबल लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेड फोन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैं और बेहतर वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, ठीक है, और आप इजी वे जो है मोबाइल रिपेयरिंग के वो सीख सकें। थैंक यू।